एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। कश्मीर में अमन शांति लाना है, सबक सिखाना है। I want to say is that he was such an awesome person who served Kashmiriyat, right? He was such an awesome person who served Kashmir. Right now when his body is burning, his spirit is still alive, right? So the only thing, because I'm still in a heavy heart, my father's body is getting burned, so I won't be able to speak much. But I just want to say that, see, the body has gone, ठीक है? कल ये मिट्टी बन जाएगा। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हमने गलत किया? आप जो भी मीडिया की न्यूज, कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, उस एक एक इंसान ना, कभी जब अकेले बैठोगे ना शाम को, सोचना कि एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना, ठीक है? आप सब कश्मीरीज जो भी ये न्यूज देखेगा, अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना कि क्या ये सही हुआ उस इंसान के साथ, बिकॉज जाना तो सब नहीं है, सभी जाएंगे, आप भी इसी दुनिया में नहीं रहने वाले, आप सब भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, और आप सब भी उसी अल्लाह को जवाब दोगे। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, और वो गुरु नानक भी एक ही, आप सब उसको जवाब दोगे। और जिसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है, उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया, तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी, जरा आप मुझे बताएंगे? ये कश्मीर की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कश्मीरियों को सर्व कर रहा था और आपने उसी इंसान को मार दिया, तो आपने अपने लिए जहन्नम, जो आप जहन्नम और वो कहते हैं, मैं तो कुरान थोड़ी बहुत सुनी है बिकॉज आई हैव मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स, तो आपने खुद वो डोर्स खोल दिए।